दिन चले गए मालूम। अरे यही बीति बीति गयो पखवारा, अरे यही बीति बीति गयो पखवारा, ओ एक दिवस का सुनऊ हवारा। पखवारा बीत गा। अच्छा पखवारा होत कई दिन का यहो बता दे। एक पखवारा होते हैं 15 दिन का और एक साल में पखवारा होते हैं 24। 12 पखवारा हैं राम जी के और 12 पखवारा हैं कन्हैया जी के। अवतार मां कन्हैया जी हैं छोट और राम जी हैं बड़े। लेकिन एक बात समझे वाली है, पखवारा जब महीना क्या चालू होता है तो पहले पखवारा लगता है कन्हैया जी का और बाद में लगता है राम जी का। ऐसा क्यों? दक्ष एक पखवारा है दक्ष के श्राप का और दूसरा पखवारा है भोले बाबा के वरदान का। ये दोनों बातें बड़ी दूर है भैया, समझे में बड़ा टाइम लगे है ना। पखवारा एक पखवारा चला गया। एक दिन की बात है भैया, राजा उठ के बैठ गए। जब राजा उठ के बैठ गए तो का देखें, तब राजा सोचे मन माही, 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 राजा सोचे मन माही, भवन बिस्तर पर रानी नाही, भवन बिस्तर पर रानी नाही, भवन बिस्तर पे रानी नाही, भवन बिस्तर पे रानी नाही। राजा साहेब उठ के बैठ गए और जब उठ के बैठे तो का देखे कि रानी तो बिस्तर पर है नहीं। तो राजा जी चुपके से उठे, पहले गए कमरन में देखिन, उसके बाद बाउंड्री में देखिन, उसके बाद फुलवारी में देखिन, उसके बाद पूरा घर ढूंढ डाली लेकिन रानी है नहीं। तो राजा साहेब आए और अपने बिस्तर पर चुपके से बैठ गए, हाँक नहीं दिया। बहुत मतलब की बात है भैया, रात के समय में हमारे घर की लड़की बिटिया पत्नी कोई घरे गावे गई बजावे गई बतलाए गई टहले गई। रात के समय में अपने लड़का बिटिया के यहाँ तेज हाँक न दो, हाँक दिया हो बदनामी तुमरी संग होई। कोई कोई देखे हुई हो जो बीबी चली जाए मोहल्ले में टहले तो छत का छत के ऊपर चढ़ के हाँक दे, कहाँ गए रो योद्या बउआ रोवत है रो। ले तुम सबको खीसा ही खा रहा था। कोई कोई छत के ऊपर जब हाँक दे तो यू सोचो का बदनामी ने जो कोई सुन तो का यू कू आए यू वहा यही वह ना नकटी का मनो यू नकटा का मन है दोनों ही आके तन के। तो बताओ तुम्हारी बदनामी भय और पत्नी को बदनामी भय। और दुनिया में भैया बदनामी अगर हो गए तो दोबारा न लौटी। दोबारा दुनिया में सब चीज लौटा सकते हो लेकिन बदनामी नहीं लौट सकत। राजा साहेब बिस्तर पर बैठे हैं, राजा साहेब बोले नहीं भैया। अब जब राजा साहेब बोले नहीं तो 4 बजे सत्संग बंद हुआ। जब 4 बजे सत्संग बंद हुआ तो रानी देखा कि आज तो राजा साहेब बैठे हैं, अब हमको ये मारेगा डांटेगा, पर मैं गलत रास्ते पर नहीं गई थी।
तो सिर्फ सत्संग करने गई थी भैया। राजा ने पूछा है देवी कहाँ गई थी, राजा ने पूछा कहाँ गई थी, तो रानी रोने लगी महाराज मैं और कहीं नहीं गई थी, संत का सत्संग करने गई थी। राजा को गुस्सा आई कि रात के 12 बजे वो भी मेरे बगैर बताए। राजा ने उठाया चाबुक और क्या किया भैया, चाबुक हाथ लीने बिकराला, चाबुक हाथ लीने बिकराला, चार घसीट दिए मार दिए। जब दो चार मार दिए तो रानी रोने लगी, विचार करेगी आज मैं गलत काम नहीं किया, मैं तो सिर्फ सत्संग करने गई थी, राजा ने हमको बेगुनाह मारा। अभी रानी विचार करे अब करें का, एक बात बता दे, राजा के दिल में शंका हो गए, रानी तो गई थी सत्संग करने लेकिन राजा के यहाँ शंका हो गए कि ये गलत कदम उठाया। और दुनिया में यहाँ सब कायो दवा है भैया, दुनिया में यहाँ सब कायो के दवा है लेकिन शंका केर कोई दवा, शंका केर कोई दवा ही नहीं बनी है भाई सरकार। अरे यहाँ तक रहा बाबा रामदेव नहीं बनाए पाए ना भाई, शंका केर कोई दवा नहीं, शंका माताओं बहनों बहुत जल्दी हो। अपने दोस्त से ने कह दो भैया ने हम खाना खा जाई थे, हम का बीबी हमारे बहुत मानते हैं और जब हम खाना खाए लागब तो तुम हमारे मोबाइल पर 3 दिन मिस कॉल मारो, 3 दिन तुम मोबाइल पर मिस कॉल मारो, और जब खाना खाए बैठे और बीबी खाना बनौती हो अब बस तुम का करो जसू मिलावे फोन 3 दफा क्रिम क्रिम काट दो, तुरंत फिर फोन मिलावे क्रिम 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 काट आ रहा फिर मिला दे अब के पूरी काल क्रिम 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 गुर्रो 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 जब मिलाओ मैं तुम कहा करो ओके कह लो और लथरे हाथ नाप दान वाले के मोबाइल भाग जाओ और आए व्यवहार और खाली हत्ता कह दे 5 मिनट बाद मिला फोन हो खाना खा रहे ना खाना खा लियो बाद ठीक बाबू बाय बाय ओके थैंक यू। खाली तुम अत्ता कह रहे हो और तो यू ना सोचो कि बीबी चूल्हे में है खाना बनौती, चूल्हे में नहीं खाना बनौती, तवा के रोटी तवा बर रही है और घई के रोटी घई बर रही और 10 पन्ना ले 5-6 ठाढ़ी जस तुम कहो बाय ओ टाटा जब फोन कटी है वो तो क्या कहती कीते आ बतला दो कौन बुआ है कोई कीते आ बतला दे रहो ऐ ऐ कैसे नहीं अति बड़ी हो गई ना यहाँ अब कल कहते रहे हम जनता ने जब उन हम कई कई छोड़ देता हूँ तुम सिखत हो तुमका बताया है रीति है यहाँ। राजा के भैया शंका हो गई, अब राजा ने मार दिया तो रानी एक दिन भैया गंगा स्नान करने गई। रानी गंगा स्नान करने लगी भैया, गंगा की धारा बहुत तेज थी भैया। और एक बात बता दे, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, या कव्वाली है जी के दिल में दया न हो कोनो आदमी आए वो सनीचर हो, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं उसको मानुष कहने से क्या फायदा, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं
कहाने से क्या फायदा, जिसने माता पिता की न सेवा किया, जिसने माता पिता की न सेवा किया, जिसने माता पिता गुरु की सेवा न किया, उनको गंगा नहाने से क्या फायदा। गाड़ी सुंदर मार्ग पे चली, आप भी सुंदर सुंदर ना कैदा हुआ, जब यकसी डंटो जब यकसी ही डंट प्यारे हो ही गया, बादी हारन बजाने से क्या फायदा, स्नान करने। रानी को क्रोध आ गया कि राजा हमें मारेगा, जब चाहे तब मारेगा। और भैया एक बात और जो है, कोई कोई आदमी देखे हो हिल्ले से मारा थे, और यह बात सही है, हिल्ले से ने रोजी चल तो बहाने से ने मौत आवत। पहले भगवान डायरेक्ट मारा आवर रहे हो, हमका तुमका भगवान डायरेक्ट मार रहे हो। मैं लोग भगवान गरियावे लाग सरव जब मारक रहे तो पैदा कहे के हे रहो। लक्ष्मी जी कहला कि स्वामी बड़ा गलत है, या तो कोई जलम देव ना या तो फिर मारो ना। भगवान बोले चिंता ना करो, वहां से हम न जाम नौकर भ्याजब सीधे भैंसा पर बैठारे लेके आज ही। तो यमराज भैया भैंसा पर सरमुल्ला आवे हो और आवे बैठा ले और ये चले जाए। उस समय की कहानी है जब सावित्री के पति सत्यवान कहीं हाँ लेके यमराज भाई सब ले चल पड़े। सावित्री उधर से लौट रही थी, सत्यवान कहीं हाँ यमराज ले जाए रहे रहा। तो सावित्री पीछे पीछे तड़ पड़ी। यमराज बोले देवी लौट जा, तुम्हारे पति को हम ले जा रहे हैं, हम यमराज हैं। तो सावित्री घूमी नहीं। तो यमराज बोले देवी लौट जाओ। सावित्री बोली हम ना घूमब, हमार पति जब जाए रहा तो हम संघय जाब, जहां जई तहां जाब। बहुत दूर तक चली गई। तो यमराज बड़ा खुश हो गए कि भाई पति पत्नी बड़ा प्रेम रहे, लाए का कोनो वरदान दे दी। यमराज बोले देवी हम तेरी पति व्रत धर्म पर प्रसन्न है, मांग ले देवी, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेल्डर वेलकम टू वेरी, जो इच्छा चाहे सौ तो वरदान मांग लो। तो सत्यवती सावित्री ने यमराजन से कहा हमका याग चीज दे दो। क्या कहो? ए भोजपुरी में गाना सुनाई, अब कहो इंग्लिश में सुनाई, कहो हिंदी में सुनाई, जौने में बताओ तौने में गाना सुनाई। यू जान लो बांसुड़ा क्या चौटा कर रहा है। चाहे गुणा इच्छा चले जाओ, और चाहे थाना थान गांव चले जाओ, और चाहे रामपुर मथुरा चले जाओ, इत्र पर जौन बताओ, जौने मतलब जवाने बताओ, तो उन्हें जवाने गाना लगाई, म्यूजिक लगा दी। हाँ सुन बारा हुआ, हम तो के बताई, सुन ला। सावित्री बोली सुनो, मेरे मांग का सिंदूरवा अमर कई दो, मेरे मांग का सिंदूरवा अमर कई दो, मेरे हम पति नहीं मांग रहे हैं महाराज, अमर कई दो, अमर कई दो, अमर कई दो, अमर कई दो, मेरे मांग का सिंदूरवा अमर कई दो, मेरे मांग का सिंदूरवा अमर कई दो।
जाओ पांव की बिछिया ओठ की मिसिया ला 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 मुख की मिसिया ए मेरे मांग की बिंदिया अमर कही दो मेरे मांग की बिंदिया अमर कही दो मेरे मांग की बिंदिया अमर कही दो 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 तीनी सुहागन माये पुदई दो मेरे मांग का मेरे मंगिया का सावित्री ने कहा कि ए कत्ती चीज मांगा पांवों की बिछिया मुई की मिसिया और मांगे केर बिंदिया कहे भाई पांव केर बिछिया एक और मुई केर मिसिया दुई और मांग केर बिंदिया तीन और मांग का सिंदूर चार। कतनी पिचित पढ़ी लिखी बात है भैया। हिंदू धर्म में वेद है चार, हिंदू धर्म में वेद है चार और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले लड़का बनाई रहन चार। और सेंटर जेल पर जाओ तो लिखा लाग है उमा चार अक्षर है अदालत। कई अक्षर है भैया? चार। और भागवत, भागवत में अक्षर कहे हैं भागावत। कई अक्षर है? चार। और मरे के बाद हम का तुमको लय कह देने जाते हैं चार। सावित्री ने मांगा है भगवान से वचन चार, चार में का एक चीज दे दो। चारे श्रृंगार ऐसे हैं जो हमारी कुंवारी लड़की बिटिया नहीं करती, बाकी तो सब चल जाते हैं थोड़ा बारा चल जाते हैं। अब तो देखे बीएपी मामला चला है, देखे हो सब यहाँ पर हम देखे सब बिच्छी बैठी हैं लाइन से बिच्छी। कहा ध्याते में कहा थे बिच्छी जो बैठती कहा देखो मेहंदी लगा के रखना ला 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 ला। मार हिया ले बाहन ले बैठाए हैं। तो असर बात ये लड़की बिटिया शादी ना होए अगर मेहंदी लगा ले कोई बेइज्जती नहीं, ए चुरिया पहन ले कोई बेइज्जती नहीं, तो जवाना है लड़की बिटिया शादी ना होए पहले कोई बेइज्जती ना है, ए बाला बुंदा चाहे जत्ते कीमती पहन ले कोई बेइज्जती ना है, कोई बेइज्जती आए। ये तो श्रृंगार कुमारी लड़कियां कर सकती हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में चार अगर श्रृंगार में से अगर एक श्रृंगार लड़की कह के गांव घूमे ला गए बोलो भाई बदनामी होगी कि नहीं होगी। और ये चार श्रृंगार ऐसे हैं ये पति के प्रतीक हैं। और ये श्रृंगार माताओं को करना चाहिए कब? जब पति सामने हो तब। सीता मैया रामायण पढ़ लेना, सीता मैया जी के पति श्री राम जी थे, लेकिन जब लंका में सीता पहुंच गई तो 14 महीना सीता मैया ने कोई श्रृंगार नहीं किया, 14 महीना सीता मैया ने कोई श्रृंगार नहीं किया था। लंका में सीता मैया 435 दिन रही, सीता मैया कोई भी श्रृंगार नहीं किया भैया। क्यों? क्योंकि ये चारों श्रृंगार है पति के, जबकि रावण व्यवस्था खूब कह रहा है वो व्यवस्था आया सीता रावण बड़ी व्यवस्था किया सीता से कहा सीता यू न समझो व्यवस्था नहीं है, यू न समझो बंबा नहीं लाग है नहा जो दिक्कत है बंबा जो पंडाल पछे लाग वह तालम गाड़ा वह में का नहाओ वह में का पियो वह में फिर जी
ताल कर ताले एक कहावत कहा था छोटे पद हम पद गावा कर धन ये तालक पानी ताले जाए घुंघरू पताले जाए है नहीं। तो रावण बोला कि सीता यू ने समझो व्यवस्था कम है, हम अयोध्या से कई गुना व्यवस्था ज्यादा कर सकते हैं। अयोध्या मां एक साड़ी लगभग महीना खान पहनती हुई हो, हम एक राजा हैं, एक दो औरतें नहीं हैं, 14,000 औरतें। रावण बोला सिर्फ हम तुमको इसलिए लाए हैं, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार रुक जाओ, सिर्फ एक बार का मुलाकात का मौका दे दो, हम तेरे शहर में आए हैं। सीता से रावण बोला सीता एक साड़ी सिर्फ एक बार पहरो, रिजेक्ट कर दो, और श्रृंगार करे के बाद श्रृंगार दानी छोटी है दैया दैया याग नहीं, रोज श्रृंगार दानी याग फेंक दो। लेकिन सीता मैया ने रावण से कहा रावण मैं श्रृंगार नहीं करूंगी। सीता मैया 14 महीना तक साड़ी नहीं बदला था, ध्यान देना, और जब 14 महीना तक साड़ी नहीं बदला तो एका महीना एका मतलब यू रहा कि सीता मैया 14 महीना नहीं नहीं गलत भाई तपन में देखियो अम्मा लोग नहाए लगती तो पानी भरत भरत घाजी हो, जो बम्बन लाग हो तो पानी तुम ढोते रहो नहाते ही रही।